हेलो गाइस, तो मैं अर्जुन आपको अनुबंध क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम अनुपात समानुपात का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो जिसके अंदर हम टाइप पढ़ते हैं कि संख्याओं को जोड़ व घटाने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। सही है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले दे रखा है 3:5 और बोला इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात 5:7 हो जाए। सही है, तो हमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक का मतलब है कि दोनों तरफ समान ही जुड़ेगा, यानी जितना इधर जोड़ना है उतना ही इधर जोड़ना है। ठीक है, तो हमें इनका अंतर चेक करना है, 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, और 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, यानी 3 से 5 जाने के लिए कितना जुड़ रहा है इधर, 2, इधर 5 से 7 जाने के लिए कितना जुड़ रहा है, 2, यानी इसका आंसर कितना होगा, 2। सही है, नोट करें। तो देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:19 के अनुपात में है, दो संख्या का अनुपात 17:19 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 5:7 हो जाए। सही है, दो संख्याओं का अनुपात 17:19 के अनुपात में, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो अभी की तरह करना है कि दो संख्या कितनी थी, 17:19, और इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाए कि इनका अनुपात 5:7 हो जाए, प्रत्येक मतलब कि दोनों तरफ समान ही घटेगा। सही है, तो कुछ नहीं करना, मैं इनका अंतर चेक करना है, इधर कितने का अंतर आ रहा है, 12 का, और इधर भी कितने का आ रहा है, 12 का, तो आंसर कितना होगा, यही आंसर है 12। ठीक है ना, क्योंकि 17 से 5 होगा तो कितना घट रहा है, 12 है, और इधर 19 से 17 हो रहा है, इधर भी कितना घट रहा है, 12 है, यही इसका आंसर 12 है, नोट करें। आगे देखें, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाए। सही है ना, 5:6 के अनुपात में हो जाए, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में है,
इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाए। तो ये अभी की तरह करना है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो इधर कितना बढ़ रहा है 1 और इधर कितना बढ़ रहा है 2 से 5 के लिए 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक मतलब कि जितना इधर जोड़ रहा है उतना इधर जोड़ना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इधर तो 3 जोड़ रहा है, उधर कितना जोड़ रहा है 1। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं, पिछले 2 सवाल किए हैं, उनका अंतर कैसा था, इक्वल था, यानी जितना इधर बढ़ रहा था उतना इधर बढ़ रहा था, जितना इधर घट रहा था उतना ही इधर घट रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है, लेकिन यहाँ तो 2 से 5 जाने के लिए 3 जुड़ रहा है और 5 से 6 जाने के लिए कितना जुड़ रहा है 1। और क्वेश्चन बोला है प्रत्येक को समान जुड़ना चाहिए, इसका मतलब रेशियो दे रखे हो कैसे हैं, गलत हैं। अब इनको सही कैसे करेंगे, तो इनको सही करने का तरीका है कि 5 और 6 में अंतर है 1 का, तो 1 को ना तो ऊपर कर दो, 5 और 2 में अंतर है कितने का, 3 का, 3 का नीचे कर दें, कर दो 2:5 और इधर कर दो 3×5=15 और 3×6=18, देख लो इधर कितना बढ़ रहा है 13, सही ना, और इधर भी कितना बढ़ रहा है 13, यानी कितना जोड़ना चाहिए 13 ही इसका आंसर है, नोट करें। क्वेश्चन है कि अब अगला देखें, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 के अनुपात में है, दो संख्या का अनुपात 11:15 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए। सही है, 1-2 साल हमने कर लिए जिनके अंतर समान थे, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लें, योगफल वाला तो कर ही लिया जिनका अंतर समान नहीं था, अंतर वाला भी देख लें, यानी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11:15, ठीक है ना, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो वही अभी की तरह संख्या कितनी 11:15 के अनुपात में है और 2:3, अब घटाना है तो इधर कितने का अंतर आ रहा है 12 का और इधर 9 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, लेकिन यहाँ कैसा है अलग अलग घट रहा है, यानी दोनों तरफ हमें समान ही घटाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पद में से क्या घटा, यानी दोनों तरफ हमें इक्वल घटाना है, लेकिन इधर एक तरफ 9 घट रहा है, एक तरफ कितना घट रहा है 12, यानी ये भी रेशियो दे रखे हो कैसे हैं, गलत हैं। अब इनको सही करने के लिए 2 और 3 में अंतर कितने का 1 का, तो 1 का बढ़ा तो ऊपर कर दें, और 11 और 15 में कितने का अंतर है 4 का, तो 4 का नीचे कर दो, कर दो 11:15, 4×2=8 और 4×3=12, इधर कितने का अंतर आया 3 का, इधर कितने का अंतर आ रहा है 3। क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रत्येक पद में से क्या घटा जाए, तो 11 में से कितने घट रहे हैं 3, यानी इधर भी 3 घट रहा है, इधर भी 3 घट रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका 3, नोट करें। आगे देखें देखें, यानी क्वेश्चन है कि अब दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में दस जोड़ दिए जाए इसके प्रत्येक पद में दस जोड़ दिए जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। दो संख्या अनुपात 3:5 के अनुपात में इसके प्रत्येक पद में 10 जोड़ दिया है तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है ना। तो अभी की तरह करना है सेम, यानी दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5,
इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए, 5:7। देख लो इधर कितना जोड़ रहा है, 2, और इधर भी कितना जोड़ रहा है, 2। लेकिन हमारे हिसाब से जो 2 जोड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है, 10, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में 10 जोड़ दिया तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। हमारे हिसाब से 3 से 5 हो रहा है, यानी कितना जोड़ रहा है, 2, और क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है, 10, सही है ना। तो 1 बराबर कितने के, 5 के। उसने बोला है कि छोटी संख्या बताइए, तो इन दोनों में छोटी कौन है, 3 और 5 में, ठीक है। ये तो कंडीशन है, यानी इसके प्रत्येक पद में 10 जोड़ने पर इसका अनुपात 5:7 हो जाता है। ये तो कंडीशन है, संख्या कौन सी थी इनमें, ये वाली थी जो ऊपर लिखी है, तो इन दोनों छोटी बतानी है, 3 और 5 में छोटी कौन है, 3, निकाल दो 3 की, सही है ना, छोटी बतानी है। तो 1 बराबर 3 के, तो जितने पूछे उतने गुणा कर दो, 3 गुणा 5 कितना आंसर आ गया, 15। नोट करें, अगला क्वेश्चन देख लें। अभी तो हमने देख लिया कि प्रत्येक पद में जोड़ने वाला, अब देख लो एक क्वेश्चन घटाने वाला, ठीक है ना। एक एक सारे टाइप के क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए इसके प्रत्येक पद में से 5 घटा दिए जाए तो इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए, सही ना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में से 5 घटा दिया तो इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए, तो भाई अभी की तरह करना है, जैसे हमने भी योगफल वाले किया था ना, ऐसे करना है इसको। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और इसके प्रत्येक पद में से कितना घटा दिया है, 5 घटा दिया तो इनका अनुपात हो जाता है 3:5। देख लें इधर कितने का अंतर आ रहा है, 3 और 5 में 2 का, और इधर 1 बढ़ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके प्रत्येक पद में से 5 घटाता है, लेकिन यहाँ क्या बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह कि इधर और इधर दोनों तरफ अंतर समान होना चाहिए, सही है। तो हमने देखा था जिससे पहले क्वेश्चन में कि जब भी अंतर समान है तो ठीक है, समान नहीं है इसका मतलब रेशियो दे रखे हैं वो गलत है। अब इनको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए तरीका है कि जो इन दोनों में अंतर है 3 और 5 में, 2 का 2 गुणा तो ऊपर कर दो, और 3 और 2 में अंतर है 1 का, तो 1 का नीचे कर दो, सही है ना। यानी अपोजिट गुणा करना है एक दूसरे का, 3 और 5 में अंतर है 2 का, 2 को ऊपर कर दें, और 2 और 3 में अंतर है 1 का, तो नीचे कर दें। कब, जब इधर और इधर अंतर समान ना हो तब कर दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये 3:5। अब देख लो इधर भी कितना कम हो रहा है, 1, और इधर भी कितना कम हो रहा है, 1 हो गया ना दोनों तरफ। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक में कितना घट रहा है, 4 से 3 1, और इधर 6 से 5 कितना घट रहा है, 1। अब हमारे हिसाब से तो 1 घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना घटा रहा है, 5। अब बोला है कि बड़ी संख्या बताइए, अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं, गलत। अब जो ओरिजिनल रेशियो है वो नीचे वाले हैं, सही है। तो 4 और 6 में बड़ी कौन है, 6, निकाल दो 6 की पूछिए, बड़ी 5 गुणा 6, 5 6 30, यही आंसर है। नोट करें, आगे देखें, अब 3 वाला भी देख लो एक सवाल। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में 5
जोड़ने पर नई संख्याएं दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में हो जाती हैं। सही है, तीन संख्याएं जो है वो एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में, इनके प्रत्येक पद में, प्रत्येक मतलब है कि इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, कितने जोड़ने पर, इनके प्रत्येक पद में पांच जोड़ने पर नई संख्या दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में हो जाती हैं। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो वे संख्याएं कौन सी हैं? सही है ना, तो एक अनुपात दो अनुपात तीन और पांच जोड़ने पर कितनी हो जाती है, दो अनुपात तीन अनुपात चार। अब देख लें इनमें अंतर समान है या नहीं। तो देखो यहाँ भी कितने का अंतर है, एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यानी सब में अंतर समान है। इधर भी एक का, इधर भी एक का, प्रत्येक में एक बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़ा रहा है प्रत्येक में, प्रत्येक पद में बढ़ा रहा है पाँच। तो एक बराबर कितने के, पाँच के। अब बोला कि संख्या कितनी थी, संख्या तो यही थी ना ओरिजिनल, कर दो इसमें पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस और पाँच तिया पंद्रह, हो गया सॉल्व। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बोला कि तीन संख्या एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है, अब इनके प्रत्येक पद में पाँच जोड़ने पर नई संख्या दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में हो जाती हैं। तो वो संख्या कौन सी थी, यानी जो स्टार्टिंग में वही वाली बतानी है। तो हमारे हिसाब से एक बढ़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ा रहा है पाँच, तो एक और पाँच के गुणा कर दो, पाँच एकम पाँच, पाँच दस और पाँच दिया पंद्रह, इसका आंसर है। ठीक है ना, इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ते हैं।